हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम आपके लिए गोभी टिक्का फ्राई लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत आसान है। घर के थोड़े से ही मसालों से बना सकती हैं आप इसे, और अब तो रमज़ान भी आ रहे हैं, आप इजीली रमज़ान में भी इसे ट्राई कर सकती हैं। तो चलिए बनाते हैं, लेट्स कुक इट। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक कढ़ाई में पानी गरम कर लेना है। उसमें हल्दी डालनी है, नमक डालना है और फूल गोभी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट इसे बॉईल आने देंगे। उबाल कर निकाल लें। फिर देखिए, मैंने एक बाउल में 4 बड़े चम्मच मैदे लिए हैं। 2 बड़े चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और ये देखिए कुछ ड्राई मसाले हैं मेरे पास। ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और ये देखिए थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। मेरे पास ये काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, हल्दी हैं, लाल मिर्चें हैं 1-1 टीस्पून, ये देखिए मैंने गरम चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, और ये मेरे पास फूड कलर है थोड़ा सा, ये मैंने काली मिर्ची ली है 1 टीस्पून, और ये देखिए गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये मैंने साबुत कुटा हुआ भुना हुआ धनिया लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। अब हम इन सब मसालों को देखिए डाल देंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फ्रेंड्स इसका खूब अच्छा सा गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करिएगा, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, इधर हमारी गोभी तैयार हो गई है, उबल गई है। हम इसे निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। देखिए हमारी गोभी ठंडी हो गई है। अब हम इसे बैटर में डालेंगे। इस तरह से पहले अच्छे से कोट कर लीजिए और एक एक गोभी करके आप इसमें डाल दीजिए और इसे अलट पलट करके खूब अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एकदम करारे से, कुरकुरे से, सुनहरे से हमारे गोभी टिक्का फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने सारे गोभी टिक्का को फ्राई कर लेंगे। और देखिए हम इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए। देखिए आप चिकन मटन के जो टिक्के होते हैं, पनीर टिक्का, सब भूल जाएंगे इस गोभी टिक्के के सामने। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।